श्री कृष्ण फ्रेंड्स, मेरा नाम पम्मी है और मैं जिला चंबा हिमाचल प्रदेश के गांव राजनगर का रहने वाला हूं। और प्रोफेशन से मैं एक फार्मासिस्ट हूं, मेरी जॉइंट फैमिली है। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शेयर करने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि मैं भक्ति पहले नहीं किया करता था, मुझे शुरू से ही भक्ति भरा माहौल मिलता आ रहा है। लेकिन मैं भक्ति तब किया करता था जब मुझे ज़रूरत होती थी, जैसे मुझे कुछ प्रभु से चाहिए होता था या मेरी कोई डिमांड रहती थी। तो इस वजह से मैं कई बार समीकरण मेरे पक्ष में जाते थे तो मैं काफ़ी खुश होता था, लेकिन कई बार मेरे खिलाफ चीज़ें जाती थी तो मैं दुखी होना शुरू हो जाता था। चीज़ों के साथ मेरी अटैचमेंट थी, गुस्सा मुझे बहुत ज़्यादा आता था, जिस वजह से मेरी पूरी फैमिली लाइफ डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। तो ऊपर से लोगों के साथ मेरी अटैचमेंट बहुत जल्दी हो जाती थी। लेकिन जब एक दिन मेरे एक रिलेटिव ने मेरी स्थिति को देखा तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या आप भागवत गीता पढ़ना चाहोगे या सुनना चाहोगे। तो उस समय मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मैं चाहता था कि मुझे किसी भी तरह से बस रिलीफ मिले। तो मैंने जल्दी से हाँ कर दिया कि हाँ, मैं सुनना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स, उस दिन को अगर मैं अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट समझूँ तो वो गलत नहीं होगा। फिर उसके बाद 20 अक्टूबर 2018 को श्री बिंदु सर के द्वारा मैंने भागवत गीता पढ़ना शुरू किया और तब से लेके आज तक मैं भागवत गीता कंटिन्यू पढ़ रहा हूँ और साथ में प्रभु का नाम जाप भी कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, बिंदु सर के साथ भागवत गीता पढ़ने के साथ साथ मुझे गोलोक एक्सप्रेस के बारे में पता चला कि ये एक ऐसी संस्था है जिसमें कि हम ऑनलाइन सत्संग क्लासेस करते हैं, मॉडर्न तरीके से भागवत गीता पढ़ाई जाती है। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे तब हुई जब मुझे पता चला कि इसके जो फाउंडर है वो चंबा के हैं। और इसके साथ साथ में फिर हमें मॉडल करवाए गए, जैसे संपूर्ण स्वास्थ्य एवं संपूर्ण खुशी हो गया है ना, और फोर्थ पिलर ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ हो गया, फिर ABCD मॉडल हो गया। और जब इसको जब मैंने अपने जीवन में उतारा, जब इनको मैंने फॉलो करना शुरू करा, तो मुझे फिर जो पॉजिटिव बदलाव थे वो आना शुरू हो गए। और फिर साथ साथ में मुझे ये भी बताया करते थे कि भाई आप ऐसा करो कि माला भी करो। तो जब मैं माला को करता गया, चैंटिंग करता गया, तो उसके साथ मेरे जीवन में और भी ज़्यादा बदलाव होना शुरू हो गया। फ्रेंड्स, इन सभी चीज़ों को अपने जीवन में उतारने के बाद और प्रैक्टिकल करने के बाद धीरे धीरे मेरे अंदर बदलाव आना शुरू हो गए। जैसे कि मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आया करता था, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। चीज़ों के साथ अटैचमेंट ख़त्म हो चुकी है। और पहले मैं नेगेटिव ज़्यादा सोचा करता था, नेगेटिव तरीके से ज़्यादा चलता था, अब पॉजिटिव रहता हूँ, खुश हूँ बिल्कुल। और जो मेरा पारिवारिक जो माहौल ख़राब हो चुका था वो बिल्कुल अब ठीक हो चुका है। और जो भी मेरे अंदर बुराइयाँ थी, जैसे डिस्ट्रक्टिव काम मैं बहुत ज़्यादा किया करता था, अगर घर वालों ने कहीं भेजा तो वहाँ पे बैठे रहना, लोगों के साथ जो चुगली वगैरह करते थे उनमें बिल्कुल पार्टिसिपेट किया करता था मैं, वो सब चीज़ें मेरी बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब अगर कोई ऐसी चीज़ होती भी है तो फिज़िकली मैं होता उनके साथ हूँ, लेकिन जो मेंटली मैं प्रभु के साथ जुड़ा रहता हूँ। तो ये सब चीज़ें मुझे तभी पता चली जब से मैंने भागवत गीता पढ़ना शुरू की और जब से मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ा। फ्रेंड्स, मेरी एक गलत धारणा थी, मैं ये सोचता था कि जो भागवत गीता है जब किसी की मृत्यु हो रही होती है तब पढ़ते हैं, या इसे बच्चे नहीं पढ़ते, इसे बड़े पढ़ते हैं, या फिर फ्रेश हो के, नहा धो के, पीले वस्त्र पहन के ही भागवत गीता का अध्ययन किया जाता है। लेकिन भागवत गीता पढ़ने के बाद मेरा ये मानना है कि प्रभु का नाम हम कहीं भी किसी भी समय ले सकते हैं, इसके लिए हमें कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर कोई नहा धो के, फ्रेश हो के, धोती पहन के अगर पढ़ रहा है भागवत गीता तो वो भी कोई गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है, ऐसा कर सकते हैं। और एक बात और भी है कि जैसे होता है ना कि मैंने कहा कि बच्चे जो हैं वो नहीं पढ़ते, बड़े पढ़ सकते हैं, तो ये हमें जीना सिखाती है भागवत गीता, ये हमें जीवन का हमारे आधार है भागवत गीता। तो छोटे या बड़े कोई भी पढ़ सकता है। अब मान लीजिए जिसने जवानी में प्रभु का नाम नहीं लिया, तो जब बुढ़ापे के समय, मृत्यु के समय उसको भगवान का नाम सुनाया जाएगा या लेने को कहा जाएगा तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, उससे ऐसा नहीं हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें बचपन से ही भागवत गीता का आनंद लेना चाहिए और छोटे या बड़े हर कोई किसी भी समय किसी भी उम्र का व्यक्ति भागवत गीता पढ़ सकता है। फ्रेंड्स, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्रभु का, श्री हरि का, जिन्होंने मुझे इतना प्यारा गोलोक एक्सप्रेस, गोलोक परिवार दिया। और स्पेशली धन्यवाद करना चाहूँगा मैं अपने मेंटर श्री बिंदु सर, निखिल सर और नितिन सर का,
जिनके प्रयासों के कारण मैं अपनी लाइफ को पीसफुली जी रहा हूँ और अपनी ड्यूटी को डिवोशनली परफॉर्म कर पा रहा हूँ। और मैं श्री हरि का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिनके विश्वास के कारण मैं सब कर पा रहा हूँ। और फ्रेंड्स, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप भी किसी न किसी तरह से प्रभु से जुड़ें, किसी न किसी तरह से किसी न किसी संस्था से प्रभु के साथ जुड़ें और अपनी जो संस्था है उसके ऊपर विश्वास रखें। जिस भी आप आराध्य देवता या देवी को जिसको भी मानते हो उसके ऊपर विश्वास रखें। और जिस तरह से मैं फील कर रहा हूँ, जिस तरह से मैं अपने जीवन में पौष्टिक बदलाव महसूस कर रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके जीवन में भी बदलाव होंगे। तो अंत में मैं बस इतना ही कहूँगा, ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर और ना ही किसी युक्ति पर मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु, केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज ए सोल। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। जय श्री कृष्ण।